सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे रहें और मास्क पहने, बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिना ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलें और भगवान आप सबको सुरक्षित रखें। तो आज हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं आप लोगों को जिससे आपके जिसको कमर दर्द की प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगा, फेफड़े आपके मजबूत हो जाएंगे। ऐसे कुछ आसन और प्राणायाम के विषय में हम बात करेंगे आज। तो शुरू करते हैं पहले कि जैसा कि हमने बताया था, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका यह जो श्वसन क्रिया है जो वो मजबूत होता है, आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे और इससे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहेगा और फेफड़े में कोई तकलीफ नहीं आएगी आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। देखिए, भस्त्रिका जिसमें फेफड़े में सांस को भरना है और बाहर निकालना है, इसको आराम आराम से करना है। जिसको ब्लड प्रेशर या हार्ट पेशेंट हैं वो आराम आराम से करें और जो नॉर्मल यंग लोग हैं वो फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको आराम से बताते हैं। गर्दन सीधी रखेंगे, जो यंग है जिनको कोई बीमारी नहीं हो फास्ट भी कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। और नॉर्मली आप आराम से करिए। इस ऐसा करने से कभी भी आपके फेफड़े में कफ वगैरह अगर है तो वो निकल जाएगा, फेफड़े में कफ नहीं जमेगा और आपकी जो श्वसन प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत फर्स्ट क्लास चलती रहेगी। ठीक है, अभी हम आगे दिखाते हैं आपको आसन, एक मरकट आसन, जिससे अगर किसी को रीढ़ की हड्डी का तकलीफ है, दर्द होता है, बैक पेन वगैरह है, कमर का दर्द है, तो वो करने से सही हो जाएगा। वह प्रतिदिन आपको करना होगा 5 से 10 मिनट। इस प्रक्रिया में 3 आसन होते हैं मरकट आसन में, वो तीनों आसन आपको करने होंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये तीनों आसन कैसे करने हैं आपको। शुरू करते हैं मरकट आसन। लेट जाइए, हाथों को एकदम कंधों के बराबर फैला लीजिए। तो मरकट आसन का पहला आसन, बाएं पैर को दाहिनी तरफ ले गए और गर्दन इसके विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में। अब दाहिना पैर, गर्दन सीधी, गर्दन इस तरफ ले जाएंगे उसके विपरीत दिशा में। आसन करते समय बोलना नहीं चाहिए, हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। कम से कम इस प्रक्रिया को 3 बार करेंगे। क्षमता अनुसार रुकना है, आप मन में 10 तक गिनती भी गिन सकते हैं, नंबर काउंट कर सकते हैं रुकने के लिए। इससे कमर की प्रॉब्लम समस्या है, दर्द सही हो जाता है, कितना भी पुराना क्यों ना हो। बट यह नियमता है, आपको प्रतिदिन करना है। ये हो गए कम से कम 3 बार। इसको इसका दूसरा आसन,
पैरों को मोड़ लिया, हाथ को ऐसे सीधा रखेंगे गर्दन के बराबर और हमेशा आपका सर और पैर दोनों विपरीत दिशा में रहेंगे, एक दूसरे के। इसको भी 3 बार करना है आपको। अपनी क्षमता के अनुसार आपको लेना है। ये 2 प्रकार हो गए, मार्केट आसन का 3रा और आखिरी। पैरों को फैला लेंगे और फिर जब पैरों को मोड़ते हैं तो आपका बाया घुटना दाहिने पैर पे आना चाहिए, ऐसे। इससे कमर के साथ साथ लीवर को भी फायदा पहुंचता है। आराम आराम से करें, बहुत ही आसान आसन है। इस आसन को करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कैसा महसूस हुआ और दूसरा एक आसन हम आपको बताते हैं, पवन मुख आसन। इससे करने का डाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, समस्या है, और गैस का प्रॉब्लम होता है जिनको, गैस्ट्रिक रहती है, एसिडिटी होती है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पवन मुक्त आसन, इसको ऐसे 1 मिनट से 5 मिनट तक इस आसन को भी करना है आपको, तो भी तभी इसके फायदे आपको मिल सकते हैं। जिसकी जितनी क्षमता उसके अनुसार आप होल्ड करें, रोकें। इस प्रक्रिया में हम जब पैरों को और सर को आपस में जोड़ते कोशिश करते हैं तो उस समय सांस बाहर में छोड़ेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक आसन है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, लगातार हम आपके लिए ऐसे हर रोज एक एक दो दो आसन बताते रहेंगे। और योग और प्राणायाम के फायदे तभी हैं जब आप नियमतः प्रतिदिन करेंगे तभी, और हर चीज़ के अपने एक नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार ही जब आप कोई भी कार्य किया जाए तभी उसके फायदे नजर आते हैं। तो प्रतिदिन योग करिए, प्राणायाम करिए, इस कोरोना काल में घर से बाहर निकले तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सारे कोविड गाइडलाइन का पालन करिए। बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आने वाले घंटी वाला बटन दबा देंगे जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।